आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं, एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टिका, कॉपर शीट डाले तथा शीत ग्रीवा कॉपर सल्फेट डाले, फिर बीच में भूमि का पांचू व सौंदर लगाए, ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा दस लॉस जिंक डाले, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मुद्रा वरण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोद्भव बैटरी बोन भी कहते हैं। अपने रूप को बदलकर प्राण वायु ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुषक्त जल तेजाब का घोल, इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शात कुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते थे। तारों का सूत्र बनता है, नौ सूत्रों का एक गुण, नौ गुणों का एक पाश, नौ पाशों से एक रश्मि और नौ आठ सात या छह रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्भ गुब्बारे, इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उदान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है, यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पथ का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है, तत्पश्चात
उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र चूहा भी कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पुराण वस्त्र। प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी शव सूर्य कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तू ऐसे वेग से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक वृक्ष आदि से अग्नि ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन घर्षण फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की।